तो हे गाइस, अगर आप भी यहाँ पे Realme GT 2 के यूजर हैं और वेट कर रहे थे गाइस न्यू अपडेट का, तो यहाँ पे आपका इंतजार होता है खत्म, क्योंकि Realme GT 2 को अभी अभी एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है गाइस 8.20 Realme UI 3.0 Android 12 बेस्ड है, और साइज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 343 MB का। और आज की इस वीडियो में हम स्पेशली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी Realme GT 2 के यूजर हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आएगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को दबा दे, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है इस अपडेट से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं यहां पे आपको हेल्प कर दूंगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं Realme UI 3.0 मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपने डिवाइस को यहां पे अपडेट किया है। चेंज लॉग में यहां पे मेंशन है गाइस अगस्त का सिक्योरिटी पैच RMX वर्जन 11.8.20 का ये अपडेट आपको देखने को मिलता है। मेरे पास यहाँ पे Realme GT 2 है जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल अपडेट को कर लिया है 8.20 अबाउट दिस वर्जन में देख सकते हैं अगस्त का सिक्योरिटी पैच। तो अब बात करते हैं गाइस इस अपडेट में क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या बग फिक्स किए गए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ गाइस, अपडेट के इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो पहले 120 हर्ट्ज डिस्प्ले था वो यहाँ पे थोड़ा बहुत उतना अच्छा से फील नहीं होता था, बट अब गाइस यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग तरह से यहाँ पे फील हो रहा है 120 हर्ट्ज से, मतलब इतना स्मूथ हो गया इसका डिस्प्ले कि मैं क्या बताऊं गाइस। पहले मैं थोड़ी देर पहले यानी कि आज दोपहर में भी डिवाइस को यूज़ कर रहा था तो नॉर्मल मुझे लगता था, उतना कुछ खास नहीं लगता था पिछले बहुत सारे अपडेट में। बस अभी इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद लास्ट के 15 या 20 मिनट से मैं डिवाइस को कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा हूँ और इतना स्मूथ इसका डिस्प्ले हो गया गाइस। आपका हुआ या नहीं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बट फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस जो है ऑटो सेलेक्ट पे है, हाई पे करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटो सेलेक्ट भी अभी 120 पे ही चल रहा था और ये देख सकते हैं कितना स्मूथ हो चुका है। फिर उसके बाद अगला फीचर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पे देखा है गाइस, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गाइस यहाँ पे पावर बटन में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Realme GT 2 में आपको पावर मेन्यू ओपन करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम अप और पावर बटन पे क्लिक करना होता है, बट अब यहाँ पे सिंपल पावर बटन से भी यहाँ पे कर सकते हैं। देख सकते हैं पावर मेन्यू पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैं वॉल्यूम बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, सिंपल पावर मेन्यू को यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे आ चुका है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो ये एंड्रॉइड 12 का फीचर था जो कि Realme GT 2 के यूजर मैनुअल में भी लिखा हुआ था, पावर मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आपको वॉल्यूम अप बटन क्लिक करना होगा, बट अब उस फीचर को यहाँ पे ऐड कर दिया है, अब आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँगा गाइस और क्या न्यू देखने को मिलता है, तो न्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गाइस अगस्त का सिक्योरिटी पैच जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैच, फिलहाल अगस्त तो एंड होने वाला है गाइस दो दिन में, इन्हें सितंबर सिक्योरिटी पैच रोल आउट करना चाहिए था, बट यहाँ पे अभी तक इन्होंने यहाँ अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच यहाँ पे ऐड किया गाइस, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 12 सिक्योरिटी पैच 5 अगस्त 2022 का, एंड्रॉइड 13 और Realme UI 4.0 जल्द ही आएगा गाइस इस डिवाइस में, इस साल के एंड तक यहाँ पे कंफर्म है कि आ जाएगा, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे वीडियो बना के बता ही दूंगा जब भी अपडेट आएगा। अपडेट में ज़्यादा कुछ चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, जो जैसा था वैसा ही देखने को मिलता है, बट जो डिस्प्ले और इसका जो एनिमेशन है वो सब यहाँ पे फास्ट किए गए और काफ़ी यहाँ पे स्मूथ मेरे को ये लगा है गाइस अपडेट करने के बाद। जी हाँ गाइस, डिस्प्ले और ये जो अपडेट करने के बाद फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग देखने को मिला है। अब इस अपडेट का गाइस फुल रिव्यू मैं यहाँ पे दो दिन के बाद आराम से ठीक ठाक से यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको परफॉर्मेंस N22 गीक बेंच और यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी दे दूंगा, साथ ही साथ कैमरा और बैटरी का टेस्ट भी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं Realme GT 2 का न्यू अपडेट 8.20 आपको आया है या नहीं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फुल रिव्यू के लिए यहाँ पे स्टे ट्यून रहेगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।